बहुत ही अच्छी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर चमनलाल जी की और मेरे सामने प्रोफेसर नंद कुमार जी और बहुत ही प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, मेरा जो पृष्ठभूमि या गाँव से है, गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। तो बात चलती है, आज जो विषय है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था, इसमें आया पतन और हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारे क्या हम क्या चाहते हैं पाना, इसमें उस पर चर्चा करेगी, वो शिक्षाविद चर्चा करेंगे। मैं शिक्षाविद नहीं हूँ, परंतु पिछले 30-40 सालों से सामाजिक जीवन में, विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक, अपने प्रोफेशन के द्वारा, डॉक्टरी के द्वारा और जितने भी मेरे को सामाजिक सूझ आई है उसके द्वारा लगातार संघर्षरत रहा हूँ एक अच्छे समाज की सृजना के लिए। तो मैं अकेली शिक्षा ही क्यों, जब आप व्यवस्था की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था, सेहत व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था और जो दूरी सभी व्यवस्थाएं हैं देश में, तो उसका एक उसकी कड़ी है, उसकी कड़ी जुड़ती है, वो एक समूची व्यवस्था का हिस्सा है। तो मैं अपनी बात को थोड़े समय में एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कहने की कोशिश करूंगा। ये झंडा भारत का उठाए हुए भाई साहब सबके लिए, झंडे के आगे सभी लोग नतमस्तक होते हैं। ये झंडा एक देश का प्रतिनिधि है, एक देश का सिंबल है, ये हमारे देश का। पर देश क्या, देश कोई दीवार पे टका कैलेंडर नहीं है, देश ना ही किसी आदमी की किताब में की इतिहास घोल की किताब में बना रेखा चित्र है। देश है क्या, देश एक भूखंड है, एक लैंडमार्क है, उसके नीचे सभी दबी खजाने हैं, जो उसके नीचे खदान है, कोला है, तेल है, अवरक है, अल्युमिनियम है और जो भी संपदा है धरती के नीचे, वो देश है। देश के इर्द गिर्द जो समुद्र है उसमें जो सभी खजाने हैं, जो हमारी सीमा में आते हैं, वो देश है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है देश का, वो इस देश के लोग हैं, वो आप हैं। इन सबको मिलाकर देश बनता है, इन सबको मिलाकर देश बनता है, भारत बनता है, दुनिया कोई भी देश बनता है। और इस देश की जितनी संपदा है, जितनी इसके साधन है और जितनी इसकी जो कुल देश की जो प्रॉपर्टी है, जो संपदा है, वो हम सबकी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की साझी संपत्ति है, हम उसके बराबर के मालिक हैं। इसमें एक हिस्सा मोदी का है, एक हिस्सा राहुल का है, एक हिस्सा वाणी का है, एक हिस्सा गांधी का है, एक हिस्सा मेरा है और एक हम बराबर के हिस्सेदार हैं इस देश में, हम बराबर के भागीदार हैं इस देश में, हमारा बराबर का हिस्सा है। और जब से ये देश बना है तब से हम हिस्सेदार हैं, पर पिछले 70 सालों में हमारा हिस्सा को लूट लिया गया है, वो इन्होंने वो हमारे से छीन लिया है, वो हमारा हिस्सा इनके पास चला गया है, इन्होंने हमारा हक मार लिया है। और वो जब तक वो हिस्सा हमारा वापस नहीं मिलता, तब तक ना इस देश की विद्या संस्था में, विद्या व्यवस्था में सुधार होगा, ना सेहत में सुधार होगा, ना कोई और सुधार होगा। ये बुनियादी सवाल आप सबको समझना होगा। ये सवाल समझे बगैर हम लोग छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं, परंतु जो एक कुल जो नक्शा बदलना है देश का, जो समान शिक्षा, समान सेहत, समान तरक्की के मौके जो मुहैया करने हैं सारे देश को, बच्चे बच्चे को, उड़ीसा के आदिवासी जंगलों से लेकर दिल्ली की झोंपड़ियों तक, जो हमने जो सभी देश को एक संपन्न और एक ज्ञानपूर्ण ज्ञान वाला देश बनाना है और जो 21वीं सदी में अपना स्थान हासिल करना है, एक अच्छे मनुष्य के नाते, एक रोशन मार्ग मनुष्य के नाते, उस सब के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये देश हम सब का साझा देश है, हम बराबर के हिस्सेदार हैं, हमारे हिस्से में कब्जा हुआ है, हमने वो कब्जा लेना है। इनसे पूछने का समय आ गया है कि मेरे हिस्से की शिक्षा कहाँ है, मेरे हिस्से का रोजगार कहाँ है, मेरे हिस्से का बचपन कहाँ है, मेरे हिस्से का बुढ़ापा कहाँ है,
नहीं है, मेरे हिस्से का बचपन नहीं है, मेरे हिस्से की विद्या नहीं है, मेरे हिस्से की सेहत नहीं है, मेरे हिस्से की ज्वाली नहीं है, मेरे हिस्से की रोजगार नहीं है। सब सबको वो मांगना होगा, अपना बचपन, अपना रोजगार, अपनी विद्या, अपनी सेहत, अपना बुढ़ापा, अपने हिस्से का देश मांगना होगा। वो मांगे बगैर हम लोग कुछ भी, वो जो एक महत्वपूर्ण जो बड़ी लड़ाई है वो नहीं लड़ पाएंगे। लड़ेंगे, छोटी छोटी लड़ाई लड़ेंगे, पर उस बड़े प्रेम पर को हमें समझना होगा। हमें देश को, देश की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि देश, देश की तरक्की का मतलब है लोगों की तरक्की, विकास का मतलब है लोगों का विकास, खुशहाली का मतलब है लोगों की खुशहाली। तो वो सबसे जो सजीव अंग है वो देश का, वो आप है, वो लोग है। अगर वो लोग बदहाल है, अगर वो लोग अशिक्षित है, अगर वो लोग बीमार है, अगर वो लोग पछड़े हैं, तो देश कभी एडवांस नहीं होगा, सेहतमंद नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तरक्की नहीं करेगा। तरक्की का मतलब सबकी, हमारे सारे देश की तरक्की। तो इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में ये बात समझनी चाहिए हमें, तो तभी जाकर हम लोग विद्या के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में और जितने के अन्य क्षेत्र हैं जो 21वीं सदी में जो हमें चाहिए, एक नया देश, नया भारत, जो तक नजरिया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर, जो इसका इस तरह देश को बांटा जा रहा है, और उस सबसे हमने मुक्ति पानी है। हमें इस बड़े बड़े बात पर सोचना, सभी लोगों के साथ लेकर आगे चलना होगा, तो ये मेरा मानना है। अंत में सभी युवा वर्ग हैं, तो मैं कोई गायक नहीं हूँ, सिंगर नहीं हूँ, पर मैं कुछ तीन पंक्ति आपको सुनाऊंगा। हमारे पंजाब के बहुत अच्छे महान कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं, सुरजीत पालकर जी, उनकी पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है, शायद तो समझ आ जाएगी पंजाबी में आपको, तो उसमें है कि यहाँ तो जो 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 अंधेरे दिन चल रहे हैं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो बड़ी क्रूरतापूर्ण जो कार्यवाही हो रही हैं, उन सब के बारे में जो अंधेरा छाया हुआ है, उसमें जो रोशनी की किरण है, जो आशा की किरण है, वो आप में दिखाई देती है, नौजवानों में दिखाई देती है। हमने 21वीं सदी के नागरिक, विज्ञान के नागरिक, एक विज्ञान के जो नजरिया है, वैज्ञानिक नजरिया है, उससे जो सोचना है उसके मुताबिक चलना है, और जो हमारे शासक हैं चाहे वो कोई भी रहे हो, उनकी जो हमारे हमें आपस में बांटने की, हमारे आपस में हमारे भाईचारे को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, और जो पिछले एक साल से बहुत बढ़ गई हैं, उनके खिलाफ हमें सतर्क भी रहना है और संघर्ष भी करना है। और उन में जो तीन पंक्तियां हैं वो है, तूंज गा दे मोमबत्तियां, तूंज गा दे मोमबत्तियां, एथे ता चलदियां ही रहनियां पौणा कपत्तियां, तूंज गा दे मोमबत्तियां, उठ जगा दे मोम बत्तियां, नेर ना समझे के चानन डर गया है, नेर ना समझे के चानन डर गया है, नेर ना समझे के चानन डर गया है, रात ना समझे के सूरज मर गया है, नेर ना समझे के चांद डर गया है, रात ना समझे के सूरज मर गया है, पार जोता जिंदगी दे मार बत्तियां, तू जगा दे मोम बत्तियां, उठ जगा दे मोम बत्तियां। आ गया माना कि राज जो है ये बहुत अंधेरे का राज है, पर इसमें भी कुछ किरणें, कुछ जो रोशनी है वो दिखाई देती है। मन में आके राज नेरे दा हठीला, मन में आके राज नेरे दा हठीला, पर अजे जूंदा है किरणा दा कबीला। आप किरण है, ये किरणों का कबीला है। मन में आके राज नेरे दा हठीला, पर अजे जूंदा है किरना दा कबीला, कालिया सुफियात सतरा लाल लत्तियां, तूंज
जगा दे मोमबत्तियां, कुछ जगा दे मोमबत्तियां। आखिरी लाइन थोड़ी थोड़ी पंजाबी, थोड़ी शुद्ध पंजाबी है, फिर भी आपको अच्छा लगेगा। हरी के शब्द का तो बाब रोले, हरी के जाते हैं तो वो जो पत्थर है वो पत्ते वो भी पत्ते गिरा देती है, उस पे लाइने हैं। बावरोले उठ दे ही रहने नितते, बावरोले जो आज देश का माहौल है, बावरोले उठ दे ही रहने नितते, पत चढ़ा भी चाड़ दिंदिया आके पत्ते। बावरोले उठ दे ही रहने नितते, पत चढ़ा भी चाड़ दिंदिया आके पत्ते। पर इसका मतलब यह नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं, उंगर न पत्तियां मोमबत्तियां, इथे तां चलदियां ही रहनियां पौड़ा कपत्तियां, तू जगा दे मोमबत्तियां।